राधे राधे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी आज के पर। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल ऑल वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे वो आप चाहे हरियाणा की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ रहे हो, तो UGC ने आपको बहुत बड़ी मंजूरी दे दी है। जो UGC पिछली बार अड़ गई थी कि एग्ज़ाम लेने ही है लेने ही है, इस बार भी एग्ज़ाम लेने हैं। आप सभी को पता है आप भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, बट ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हो, उसमें भी आप खुश हो सभी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने। तो वेल नोन UGC ने खुद नोटिस जारी किया है और यूनिवर्सिटी को बोला है कि आप जो मई सेशन है ये सेशन निकलने दीजिए, और जो मई में आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होने थे वो आप ऑफलाइन एग्ज़ाम ना लेके आप स्टूडेंट्स के ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लीजिए। तो ये नोटिस खुद UGC की तरफ से आया है, सो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सब्जेक्ट टू कीप द ऑफलाइन एग्जामिनेशन एवियंस ड्यूरिंग May 2020। बेसिकली अभी मई की बात की गई है, जो भी मई में एग्ज़ाम होने वाले थे, सिर्फ मई की बात हो रही है या जून की बात नहीं हो रही। जून के लिए अगर होगा तो वो न्यू नोटिस जनरेट किया जाएगा कि अगर जून में भी ऐसा सिस्टम रहता है, अगर जैसे सेकंड वेव ज़्यादा ही चल रही है भारत के हर एक देश की बात की जाए, अगर मई और जून में सेम सिस्टम रहता है, कोविड के ज़्यादा केसेस आते हैं, तो ऑफ कोर्स जून में भी न्यू नोटिस जनरेट किया जाएगा UGC की तरफ से। फ़िलहाल अभी ये मई की बात की जा रही है कि जो भी आपके मई में ऑफलाइन एग्ज़ाम होने थे उस सबको कैंसिल करके आप एग्ज़ाम लो, बट आप ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लो। रिस्पेक्टेड मैडम सर, एज़ वी आर अवेयर दैट सेकेंड वेव COVID-19 इज बींग फेस्ड इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग सच टाइम्स, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थी ऑफ द एवरीवन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री हैव ऑलरेडी बीन टेकिंग बेस्ट पॉसिबल मेजर इन इस डायरेक्शन। कीपिंग इन द व्यू करंट सिनेरियो COVID-19, इट इज़ आर रिक्वेस्टेड दैट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कीप द ऑफलाइन एग्ज़ाम इस अवेंस ड्यूरिंग में। तो बेसिकली यही बात है इसके अंदर, COVID-19 की जो सेकेंड वेव है, सो सभी क्या होगा अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लेते हैं मई सेशन में, वैसे तो नहीं होना है क्योंकि नोटिस आ गया। तो उन्होंने रीज़न बताया कि गैदरिंग होगी, गैदरिंग होने से आपको पता है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक के दूसरे से छूने से फैल जाती है। एंड तब अवॉइड फिजिकल गैदरिंग एट द कैंपस एंड आल्सो प्रोवाइड मच नीडेड रिलीफ इन दैट स्टूडेंट फैकल्टी एंड द स्टाफ हु हैर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑक्यूपाइड इन द फाइटिंग COVID-19 इन अ बेस्ट वे अदर हाउस वेयर फॉर कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन HEIs मे डिसाइड इज स्टेबल आफ्टर असेसिंग लोकल कंडीशन एंड इंश्योरिंग दैट दे आर प्रिपेयर इन ऑल रिस्पेक्ट्स फॉलोइंग एडवाइजरी गाइडलाइन डायरेक्शन इशू बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ UGC फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिवेंट सेपरेट COVID-19 एंड द सेफ्टी हेल्थ ऑफ द स्टेक होल्डर। सो सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अब तो यूनिवर्सिटी को मानना ही पड़ेगा क्योंकि जो मई में एग्ज़ाम है अब फाइनली डिसीजन है। जो 17 से KU के भी एग्ज़ाम थे, जो मई में किसी के भी एग्ज़ाम होंगे, डेट शीट आई है, वो ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। द सिचुएशन में भी रीलॉग्ड बाय द HSA ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ ऑफ टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन इन द रिगार्ड। सो यूअर सेक्रेटरी रजनीश जैन। सो आपको सचेत हो गया है कि जो मई में एग्ज़ाम होने हैं वो अब आपके ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम कंप्लीट करवाए जाएंगे। उसकी गाइडलाइन एक बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर बता देगी कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या है टाइमिंग वगैरह और कितना अटैम्प्ट करना है। धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।